जॉस बटलर को रनआउट करने के बाद बढ़ सकती है अश्विन की मुश्किलें। टीम को होगा ये नुकसान। आईपीएल का रोमांच चरम पर पहुंच गया है। आईपीएल में सभी टीमें अपने अपने मैच जीतकर मैच में जीत दर्ज करते हुए अंत तालिका में ऊपरी तौर पर जगह बनाना चाहती है। किंग्स इलेवन पंजाब राजस्थान रॉयल के बीच आईपीएल का बेहद रोमांचक मैच खेला गया। किंग्स इलेवन पंजाब ने बेहतरीन बल्लेबाज करते हुए कमाल कर दिया। किंग्स इलेवन पंजाब ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 184 रन बनाए। टीम की ओर से उसके धाकड़ सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने कमाल कर दिया। इसके साथ ही बल्लेबाज सरफराज खान ने भी बेहतरीन पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में केवल 170 रन बनाए। पंजाब की टीम ने 14 रनों से जीत लिया। जॉस बटलर जब 43 गेंदों में 69 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी अश्विन के एक गेंद पर मैच में काफी अजीब हालात पैदा हो गए। जॉस बटलर जब नॉन स्ट्राइक पर थे, तभी अश्विन बॉल फेंकने को आए तो बटलर क्रीज से बाहर निकल गए थे, जिसके बाद अश्विन ने अपना एक्शन रोककर बटलर को आउट कर दिया, जिसके बाद दर्शक काफी गुस्से में है। जी हाँ दोस्तों, रनआउट करने के बाद कप्तान अश्विन ने राजस्थान रॉयल के खिलाड़ियों के साथ काफी लंबी बहस हुई, जो अनुशासन की श्रेणी के खिलाफ है। इसके साथ ही कप्तान के लिए विवादित भी है। इसका खामियाजा अब अश्विन को अंक कटाकर और उनकी टीम को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में फेयर प्ले अवार्ड में टीम काफी नीचे जा सकती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।